इस वीडियो में हम बताएंगे कि नेम चीप से आप अपने जो डोमेन है शॉपिफाई से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपको अपने नेम चीप अकाउंट पे आना होगा और यहाँ पे हमारी जो डोमेन है इस वक्त तो हम अपनी डोमेन से है ये famica.com, इसको जो है चेक करेंगे देखेंगे। उसके बाद जो हमारा टैब आएगा वो शेयरिंग एंड ट्रांसफर, इस पर क्लिक करेंगे और बिल्कुल स्क्रॉलिंग डाउन आखिर में जाके यहाँ पे जो डोमेन लॉक है इसको अनलॉक करना पड़ेगा। ठीक है, अभी तो इस वक्त जो है मैंने ऑफ किया हुआ है, इसकी वजह यह है कि मैंने ऑलरेडी डोमेन ट्रांसफ़र कर चुका हूँ। फिर इसके बाद हमें अपने शॉपिफाई अकाउंट पर आना होगा जिसमें जाके सेटिंग पे जाके और उसके बाद ये डोमेन का ऑप्शन आ रहा है, डोमेन पे क्लिक करके हमारे पास ये इस तरह की जो है ऑप्शन या विंडोज आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे हमने आ रहा होगा ए रिकॉर्ड और सी नेम रिकॉर्ड। ठीक है, ये दोनों को हमने कॉपी करना है और अपनी नेम जेब अकाउंट में जाके पेस्ट कर देना है। ठीक है, लेकिन ये क्योंकि मैं बता चुका हूँ ये ऑलरेडी ही मूव हो चुकी है तो ये सिर्फ आपको अब मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि ये लुक लग ऐसी होगी। ठीक है, फिर इसके बाद जो है हमने अपने डैशबोर्ड पे आना नेम चिप पे, वहाँ पे होस्टिंग लिस्ट आ रहा होगा। ठीक है, वहाँ पे होस्टिंग लिस्ट पे जाके यहाँ पे क्योंकि इस तब हम इसको कनेक्ट करने जा रहे हैं शॉपिफाई को, जैसे यहाँ पे गो टू सी पैन क्लिक किया नई विंडो वो यहाँ पे आके हमने एक बटन है जोन एडिटर, उसको तलाश करना है। ठीक है, वो आपको डोमेन वाले सेक्शन में मिलेगा, ये डोमेन, ये जोन एडिटर। ठीक है, जोन एडिटर पे हमने इसको क्लिक करना। जैसे ही हमने जोन एडिटर को क्लिक किया हम नए टैब में आ गए और यहाँ पे हमने इसको क्लिक करना है मैनेज और यहाँ पे आके हमने देखना है एयर कार्ड। ठीक है, ये WWE के साथ जो आ रहा है ये .com के साथ ये है क्या पर्टिकुलर एयर कार्ड फर्स्ट वाला और आखिर पे हमने देखना है कि सी नेम। ठीक है, इसके बाद जो सी नेम है वो हमारा ये आएगा shop.myshopify.com। ठीक है, ये वहाँ पे Shopify पे दोनों ही जाहिर हो रहे होंगे और हमने यहाँ पे इसको जाके पेस्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे ये इसका IP एड्रेस आ गया एयर कार्ड और दूसरा सी नेम रिकॉर्ड, दोनों को यहाँ पे अपडेट करके यहाँ पे पेस्ट कर और सेव कर देना। जैसे ही हमने वहाँ पे उसको सेव किया और हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हमने डोमेन वेरीफाई करना है, यहाँ पे डोमेन वेरीफाई को क्लिक करेंगे, उसके बाद हमें इस तरह की विंडो यहाँ पे सामने आ जाएगी और इमीडिएटली वो शो कर देगा क्या वो कनेक्ट हुए या नहीं, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम लेता है। SSL का इशू हो सकता है, कुछ और भी इशू हो सकता है, प्रॉबेबिलिटी एक घंटा या एक घंटे से ज़्यादा तक हमें वेट करना और इस तरह का ऑप्शन सामने चेक करेंगे देखेंगे।